अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक तरह से अध्यादेश लाया है धर्म परिवर्तन के नाम पर विवाह को रोकने के लिए एक तरह से। इससे पहले आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में भी इस तरह का कानून आया हुआ है और इस तरह की बात की गई, आपकी हरियाणा में भी बात की गई है और कर्नाटक में भी बात की गई थी आपकी। देखिए ये आपका उत्तर प्रदेश जिसकी राजधानी लखनऊ है, मध्य प्रदेश आपका बीच में है, ठीक है, और फिर हरियाणा की अगर बात करें हम लोग तो ये आपका हरियाणा और नीचे आप देखेंगे कर्नाटक आपका ये है। याद रखिए सभी राज्य कंठस्थ आपको याद हो जाना चाहिए, जिस तरह से आप देखते हैं ना कि आपको आरती हो जाती है या आप देखते हैं हनुमान चालीसा आपको याद हो जाते हैं, तो इसी तरह से आपको सभी राज्यों का क्रम और इन राज्यों से कितने राज्यों की सीमाएं लगती हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है, इसके बारे में भी आपको याद रहना चाहिए क्योंकि कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। आपका पड़ोसी श्रीलंका है, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की सीमा भी हमारी लगती है छोटी सी, ठीक है, सबसे ज्यादा आपकी बांग्लादेश से लगती है। यहाँ अरब सागर देखने को मिलेगा, ये बंगाल की खाड़ी देखने को मिलेगी, ये लक्षद्वीप सागर है यहाँ। अब बात करते हैं हम लोग अध्यादेश की, तो सबसे पहले आपको याद रखना चाहिए कि अध्यादेश राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल के द्वारा लिया लाया जाता है, लेकिन एक जो मंत्रिमंडल होता है उसकी सलाह पर लाया जाता है, ठीक है। आप देखेंगे आर्टिकल 1, 2, 3, यानी कि कहने का मतलब है कि आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति साहब आपका अध्यादेश लाते हैं, आर्टिकल 213 यानी कि आप समझिए 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश लाता है। अध्यादेश और आप समझिए कानून में बराबर कोई ज्यादा मतभेद नहीं है या अंतर नहीं है, आप समझिए उतनी ही शक्ति कानून में होती है उतनी ही शक्ति आपकी अध्यादेश में होती है, और अध्यादेश को बाद में आपका 6 सप्ताह के अंदर एक तरह से इसे पास करवाना होता है। जैसे आपका अगर राष्ट्रपति साहब ला रहे हैं तो लोकसभा राज्यसभा में, और अगर राज्यपाल साहब ला रहे हैं तो विधान परिषद होगी और विधान सभा होगी, जहां विधान परिषद नहीं है वहां केवल विधानसभा से पारित करवाना होगा, ठीक है, उसके बाद ये कानून बन जाएगा। इसमें एक बात और याद रखनी है आपको, क्या याद रखनी है कि जो अध्यादेश होता है ये क्या रहता है, उस समय लाया जाता है जब आप देखेंगे कोई सत्य ना चल रहा हो सदन, आप समझिए लोकसभा या राज्यसभा सदन में नहीं चल रही हो उस समय इसे लाते हैं, ठीक है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गैर कानूनी धर्मांतरण की समस्या से निपटने के लिए एक अध्यादेश जारी किया गया है जिसके तहत विवाह के लिए धर्मांतरण और गैर जमानती अपराध घोषित करते हुए कारावास के साथ आर्थिक दंड का भी प्रावधान किया गया है। आप लोगों ने देखा होगा कि यूपीएससी में यानी कि सिविल सर्विस में भी आपका प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन बन चुका था इस तरह का, लव मैरिज या अपने मर्जी की शादी पर एक क्वेश्चन आया हुआ था जो किसके तहत, किस आर्टिकल तक के तहत आपको छूट दी गई है, आर्टिकल 21 के तहत आपको छूट दी गई थी, आपने देखा होगा। इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि इस तरह के टॉपिक से हमेशा क्वेश्चंस आते रहे हैं, फिर चाहे आपकी प्रीलिम्स में हो या फिर आपकी लिखित परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में हो, ठीक है। और कभी कभी आप देखते हैं कि निबंध भी आ जाता है, फिर स्टेट पीसीएस की बात कर लीजिए, फिर चाहे यूपीएससी की बात कर लीजिए आप, तो बड़े अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ लिया करिएगा। और आप लोगों को, आपके पास अगर इस बात को काटने के लिए तर्क है किसी को, किसी बात को काटने के लिए, तभी आप लोग तर्क वितर्क किया करिएगा, क्योंकि अधिकांश मामले ऐसे होते हैं कि जिन पर कोई निष्कर्ष ही नहीं होता है और हम लगे रहते हैं उसमें। चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश विधि विरोध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 यानी कि 2020 में क्या कहा गया है इसमें। इस अध्यादेश के तहत विवाह के लिए धर्मांतरण को गैर जमानती अपराध घोषित कर दिया गया है, और इसके तहत प्रतिवादी को यह प्रमाणित करना होगा कि धर्मांतरण विवाह के उद्देश्य नहीं किया गया था। अगर याद रखिए धर्मांतरण विवाह के उद्देश्य या लालच के उद्देश्य अगर धर्म परिवर्तन नहीं किया गया था तब आप शादी कर सकते हैं और खुश रह सकते हैं। इस अध्यादेश के अनुसार किसी व्यक्ति को धर्मांतरण के लिए 2 माह पूर्व जिला मजिस्ट्रेट को एक नोटिस देना होगा। मान लीजिए कोई अगर शादी करता है, धर्म परिवर्तन भी करता है, तो 2 महीने के पहले उसे जिला मजिस्ट्रेट को एक नोटिस देना होगा कि हम धर्म परिवर्तन करना चाह रहे हैं, ठीक है। यदि किसी मामले में एक महिला द्वारा केवल विवाह के उद्देश्य से ही धर्म परिवर्तन किया जाता है तो ऐसे विवाह को अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। आप समझिए अगर केवल धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से एक तरह से शादी की जा रही है तब ऐसे विवाह को अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। इस अध्यादेश के प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में आरोपी को न्यूनतम 1 वर्ष के कारावास का दंड दिया जा सकता है, जिसे 5 वर्ष के लिए कारावास और 15,000 रुपए के जुर्माने तक बढ़ाया जा सकता है। अगर इस अध्यादेश में जो भी तत्व कहे गए हैं
जो भी प्रावधान रखे गए हैं, अगर उनका उल्लंघन करता है कोई तो उस पर न्यूनतम 1 साल की कारावास हो सकता है, या फिर इसे बढ़ाकर 5 साल भी किया जा सकता है, और 15,000 रुपये का जुर्माना, आर्थिक जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है। हालांकि यदि किसी नाबालिग महिला या फिर अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्ति का गैर कानूनी तरीके से धर्मांतरण कराया जाता है तो ऐसे मामले में कम से कम 3 वर्ष के कारावास का दंड दिया जा सकता है, और जिसे 25,000 रुपये के जुर्माने के साथ 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है। आप समझिए, कोई नाबालिग है या महिला है, अनुसूचित जाति है या अनुसूचित जनजाति से संबंधित कोई व्यक्ति है, तो इस मामले में अलग प्रावधान रखा गया है, कम से कम 3 साल के लिए कारावास और 25,000 रुपये का जुर्माना, या फिर इसे 10 साल तक भी बढ़ाया जा सकता है। इस अध्यादेश के तहत सामूहिक धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कार्यवाही का प्रावधान भी किया गया है। सामूहिक धर्मांतरण के मामलों में कम से कम 3 वर्ष के कारावास का दंड भी दिया जा सकता है, और जिससे आप देखेंगे कि 50,000 रुपये के जुर्माने के साथ 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। और साथ ही इसके तहत धर्मांतरण में शामिल सामाजिक संस्थानों के पंजीकरण को रद्द किए जाने का प्रावधान भी किया गया है इसमें। ठीक है। अब बात करते हैं कि न्यायालय ने क्या मत दिया है इस पर, विवाह और धर्मांतरण पर उच्चतम न्यायालय का क्या कहना है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों में यह स्वीकार किया है कि जीवन साथी के चयन के मामले में एक वयस्क नागरिक के अधिकार पर राज्य न्यायालयों का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं, यानी सरकार अथवा न्यायालय द्वारा इन मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। कहने का सीधा मतलब है कि आप किसी से भी शादी कर सकते हैं, किसी भी धर्म की हो, जाति की हो, किसी भी समूह की हो, इसमें ना तो राज्य सरकार ही ना केंद्र सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। ये आपके कहना है सर्वोच्च न्यायालय साहब का। ठीक है। भारत एक स्वतंत्र और गणतांत्रिक राष्ट्र है, और एक वयस्क के प्रेम तथा विवाह के अधिकार में राज्य का हस्तक्षेप व्यक्ति के स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। विवाह जैसे मामले किसी व्यक्ति की निजता के अंतर्गत आते हैं। विवाह अथवा उसके बाहर जीवन साथी के चुनाव का निर्णय व्यक्ति के व्यक्तित्व और पहचान का हिस्सा है। ये कहा है किसने? सर्वोच्च न्यायालय ने। किसी व्यक्ति द्वारा जीवन साथी चुनने का पूर्ण अधिकार कम से कम धर्म से प्रभावित नहीं होता है। अब अधिकतर मामले में आप देखते होंगे कि सभी का उद्देश्य, देखिए कुछ लोगों का उद्देश्य हो सकता है कि धर्म परिवर्तन करवाना या किसी लालच के जरिए शादी करना, लेकिन अधिकतर मामले आप देखेंगे, बहुत से मामले ऐसे भी मिल जाएंगे कि वो अपनी खुशी से धर्म परिवर्तन कर रहे हो या शादी कर रहे हो, जीवन साथी चुन रहे हो। ठीक है। अब इससे पहले कुछ मामले भी रहे, इन्हें भी याद रखिए। अगर आंसर लिखने के लिए आता है तो आप इन्हें इन फैक्ट को भी डालेंगे तो आपका आंसर क्या रहेगा, एक प्रभावकारी आंसर हो जाएगा। वर्ष 2017 का हादिया मामला एक काफी चर्चा में भी रहा था उस समय। हादिया मामले में निर्णय देते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि अपनी पसंद के कपड़े पहनने, भोजन करने, विचार या फिर विचारधाराओं, प्रेम तथा जीवन साथी के चुनावों का मामला किसी व्यक्ति की पहचान के केंद्रीय पहलुओं में से एक है। ऐसे मामलों में ना तो राज्य और ना ही कानून किसी व्यक्ति को जीवन साथी के चुनाव के बारे में कोई आदेश दे सकते हैं, और ना ही वे ऐसे मामलों में निर्णय लेने के लिए किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित कर सकते हैं। एक काफी इसी के बाद आपने देखा होगा कि क्वेश्चन आया हुआ था आपका, तो आप देखिए, कम से कम इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि 5 से 7 साल के क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए। ये नहीं है कि वही क्वेश्चन लौट के आ जाए, रिपीट हो जाए, लेकिन आपको एक मालूम चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है। तो इसीलिए आप लोग देख लीजिए कम से कम, और मैंने आपके यूपीपीसीएस हो, एमपीपीएससी हो, या फिर आपका सिविल सर्विस हो, इनके तो 5-7 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा दिए गए हैं। और एक बात और आपको देखनी है, कक्षा 11वीं की जो आपकी राजनीति विज्ञान की पुस्तक है उसे जरूर आप लोग पढ़ लें, फिर चाहे आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको अधिकार के बारे में मालूम चलेगा, अपने कर्तव्यों के बारे में मालूम चलेगा, अपने देश के बारे में बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा उसमें। इस केस को याद रखना आपको, 2017 का हादिया मामला। फिर आपने देखा होगा कि KS पुत्तुस्वामी निर्णय वर्ष 2017 का ये भी है, किसी व्यक्ति की स्वायत्तता से आशय जीवन के महत्वपूर्ण मामलों में उसकी निर्णय लेने की क्षमता से है। फिर आपने देखा होगा लता सिंह मामला 1994। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि देश एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है, और इस दौरान संविधान तभी मजबूत बना रह सकता है जब हम अपनी संस्कृति की बहुलता और विविधता को स्वीकार कर लें। अंतरधार्मिक विवाह से असंतुष्ट रिश्तेदार हिंसा या उत्पीड़न का सहारा लेने की बजाय सामाजिक संबंधों को तोड़ने का विकल्प चुन सकते हैं। एक कब का मामला है? 1994 का। क्योंकि आपने देखा होगा हरियाणा में अभी खाक पंचायतें चलती हैं कि अगर किसी ने धर्म परिवर्तन किया या शादी की तो उन्हें मार दिया जाता है इस तरह के, या घर से निकाल दिया जाता है, या फिर आप देखते हैं कि बहिष्कार कर दिया जाता है।
फिर आप देखेंगे सोनी गिरी मामला 2018 का। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने न्यायाधीशों की को मां की भावनाओं का या फिर पिता के अभिमान के आगे झुककर सुपर गार्जियन की भूमिका निभाने से आगाह किया है। फिर आप देखेंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट 2020 के सलामत अंसारी पेंका खरवार केस में क्या कहा है इसने, ये हाल का केस है, इससे भी क्वेश्चन आपका डायरेक्ट बन सकता है। अपनी पसंद के साथी को चुनना या उसके साथ रहने का अधिकार नागरिक के जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हिस्सा 21 के तहत दिया गया है। आर्टिकल 21 को बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है, इसे जरूर याद रखिए आप लोग, और मुझे लगता है कि मौलिक अधिकारों को आपको याद रख लेना चाहिए। आप देखते हैं भाग 3 में आपके 12 से लेकर 35 तक, इनसे आपका क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता रहता है, फिर चाहे आपका लिखित परीक्षा में हो फिर चाहे आपका प्रारंभिक परीक्षा में हो। ठीक है, न्यायालय ने यह भी कहा है कि विवाह के लिए धर्मांतरण के निर्णय को पूर्णतः अस्वीकृत करने के विचार के समर्थन से जुड़े अदालत के पूर्व फैसले वैधानिक रूप से सही नहीं है। इसमें आगे की राय क्या हो सकती है, ऐसे कानूनों को लागू करने वाली सरकार को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि ए किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को सीमित ना करते हुए और ना ही इनसे राष्ट्रीय एकता को क्षति पहुंचती हो, और ऐसे कानूनों के लिए स्वतंत्रता और दुर्भावनापूर्ण धर्मांतरण के मध्य संतुलन बनाना बहुत ही आवश्यक है। तो ये कहानी है पूरी आपकी धर्म परिवर्तन धर्मांतरण जो भी शादी को लेकर चल रही है चर्चाएं, काफी चर्चा में है इस समय। ठीक है, इस तरह के जो भी चर्चा में टॉपिक रहते हैं आप देखेंगे उन्हीं से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो इस तरह के याद रखा, इसीलिए तो कहता हूं कम से कम एक न्यूज पेपर फॉलो करते रहिए आप लोग। फिर चाहे आप लोग हिंदी मीडियम से हैं तो आप देखते होंगे जनसत्ता आपके लिए बेहतर है, आपके लिए दैनिक जागरण भी बेहतर है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आगे, हम लोग पढ़ते रहिए आप लोग।